भाइयों बहनों, चौकीदार के लिए स्वहित से ऊपर जनहित होता है। साथियों, जो लोग सिर्फ सत्ता के जीते, सत्ता के लिए जीते हैं, वो राष्ट्रहित के बारे में कभी सोच नहीं सकते। आपने भी महामिलावट के कई रंग देखे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सीएम श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का बयान सुनकर के पूरा देश चौंक गया। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री पद होना चाहिए ऐसी मांग रखी। मैं जरा आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे। सबके सब ये जो दूर दूर खड़े हैं वो भी जवाब देंगे। क्या बताइए, भारत में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? क्या भारत में दो प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करेगा क्या? एक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, एक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री, ये हो सकता है क्या? किसी को भी मंजूर है क्या? आपका विरोध है कि नहीं है? आप डट करके विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन आप देखिए, जो बात यहां गांव के लोगों को समझ आ रही है, पढ़े लिखे हो अनपढ़ को उनको समझ आती है, ये बात कांग्रेस को, आरजेडी को, इनके सभी महामिलावटी नेताओं को समझ नहीं आ रही है। तो आपको समझ आ रहा है वो उनको समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ है, कल से उमर अब्दुल्ला जी ने बयान दिया, मैंने कल से उनको चुनौती दी है, ये सारे उनके साथी दल देश को विश्वास दें कि ये दो प्रधानमंत्री वाली मांग वे उससे सहमत नहीं है। ये उनके सभी साथी दलों ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? कांग्रेस ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? आरजेडी ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? उनके सभी महामिलावटी लोगों ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? लेकिन पता नहीं साफ सुन गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनका कोई साथी तो विरोध करे, लेकिन सबने चुप्पी साध ली। उनकी ये चुप्पी ही उनकी असलियत को सामने ला रही है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर, कश्मीर पर, हमारे वीर जवानों पर, हमारे सुरक्षा बलों पर जो ये जवाब बयान दे रहे हैं, जो भांति भांति के वादे कर रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुने, समझे और उनका हिसाब चुनाव में चुकता होना चाहिए। उनके बयान इस बात का सबूत है कि उन्होंने कैसे दशकों तक देश चलाया और वो देश को किस स्थिर स्थिति तक ले आए, ये हम भली भांति जानते हैं। और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आगे भी कितना स्थिर करना चाहेंगे इसका हम अंदाज कर सकते हैं। साथियों, ये लोग ऐसे विचारों के साथ खड़े दिखते हैं जो एक भारत
श्रेष्ठ भारत के खिलाफ है। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाली गैंग को समर्थन देने वाले लोग हैं।